तो श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे आज टीम इंडिया के पास श्रीलंका से लगातार 10वीं बार सीरीज जीतने का है मौका। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं बार सीरीज जीतने का मौका है, यानी 10वीं बार वनडे सीरीज जीतने का मौका होगा। वही भारतीय टीम वनडे सीरीज में श्रीलंका से पिछले 26 साल से नहीं हारी है। आखिरी हार साल 1994 में भारत को मिली थी। इस मुकाबले में विराट कोहली के बाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के पास आज तोड़ने का मौका भी होगा। इस मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं। रोहित शर्मा ने इसी मैदान पर वनडे की सबसे आकर्षक पारी जो है 264 रन की पारी यहां पर इंडिविजुअल बड़ी पारी यहां पर श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 में खेली थी। वही भारत और श्रीलंका के बीच पहला जो वनडे गुवाहाटी में खेला गया था उस मुकाबले में भारत ने 67 रन से जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में विराट ने 113 रन खेला यहां पर पारी खेली थी और 45वां अपना वनडे शतक जमाया था, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 83 रन और यहां पर 47वां उन्होंने यहां पर वनडे शतक रोहित शर्मा ने लगाया था। वही यहाँ पर गुवाहाटी में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली थी। अब टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है और अगर आज का मुकाबला जीतती है तो सीरीज से टीम इंडिया के नाम होगी। वही ईडन गार्डन स्टेडियम के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर मैदान पर भारतीय टीम पिछले 5 साल में नहीं हारी है। पिछली हार 2017 में यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। वही भारत ने इस मैदान पर 21 वनडे खेले हैं, इसमें 12 जीते हैं, 8 में टीम इंडिया को हार भी मिली, एक नो रिजल्ट रहा। वही इस मैदान पर श्रीलंका के बीच अब तक 5 यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ भारत ने वनडे खेले हैं, इसमें 3 में भारत जीता है और 1 में श्रीलंका को जीता यहाँ पर जीत जो है नसीब हुई है। वही 1 जो है बेनत जा रहा है। वही पिच की बात करें तो टॉस जीतने वाली टीम पहले आज बैटिंग करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि 32 में से 19 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 12 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं ईडन गार्डन की पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, इसमें स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, ऐसे में यहाँ स्पिनर्स जो है आज अपना जलवा बिखेर सकते हैं। वही मौसम की बात करें तो बारिश के आसार नहीं है, आज मौसम साफ रहेगा। वेदर रिपोर्ट के अनुसार तापमान 14 से 27 के बीच रहेगा, बारिश के आसार ना के बराबर है। अब बात करते हैं आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 की, तो भारत में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। दरअसल भारत में रहेंगे कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सीएस अय्यर और केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आज हो सकते हैं। वही श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के प्लेइंग 11 में निशंका, कुशल मेंडिस और फर्नांडो और धनंजय डी सिल्वा, असलंका और इसके अलावा दासुन का कप्तान रहेंगे। इसके अलावा बोनदो हसरंगा और करुणा रत्ने और इसके अलावा दानित वेलगे और कासुन अजीता और दिलशान मधुशंकर जैसे खिलाड़ी इस टीम के अंदर रहेंगे। वहीं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े को देख लेते हैं। वनडे में तो टीम इंडिया का भारी पलड़ा जो है लगातार यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक 163 वनडे मुकाबले खेले जा चुके, जिसमें 94 मैच भारत ने जीते, 57 में श्रीलंका ने भी जीत दर्ज की है, एक मैच टाई रहा है और 11 जो है ना रहे हैं।